अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नेताजी महिला किलो आ रहे, तुम यहाँ आए, तुमको ऐसा फिसलने फिसलने का डर तो नहीं? जी लगा है हो तो है पक्का हो। पानी में निकलोगे तो बनाना पड़ेगा नहीं मैडम? आपका दरिया के जाना है तो नाम पानी रहे बाहर हो भी जाएगा जबरदस्ती पर मेरे कब से आई हैं आप? जिला कौन से अस्पताल में आई हैं आप? जिला अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने आई हैं। हाँ। कितने घंटे हो गए आपको यहाँ पर? 3-4 घंटे। कौन आया जवाबदार अधिकारी? डॉक्टर कोई नहीं आया? पानी के बारे में लेट आए। पानी कितना पानी भरा हुआ आप यहाँ पहुँचे तो? पानी ये यहाँ पे हम बात करें कि आप जो प्रेग्नेंट महिला आ रही है वो गिरने का डर है कि नहीं इस पानी से? बहुत सारी समस्या। इसका जवाबदार कौन है? आपने जवाबदार अधिकारी कोई आपके पास आए? डॉक्टर वगैरह कोई आपसे आके मिले? कितने घंटे से परेशान हो रही हैं आप? क्यों नहीं बताओ कितनी वजह से आप साफ सफाई कर रहे हो यहाँ पे? अभी तक पानी क्यों नहीं निकल पाया? किस कारण से इतना पानी बेला हो गया? कितने कर्मचारी लगे अभी यहाँ पानी निकालने के लिए? 12-15 तो लगे। कहाँ से आ रहा कोई जानकारी? पानी इतना सारा पानी भरा गया, ये नहीं पता कहाँ से आ रहा। क्या नाम है आपका? भ्रष्टाचार। और देवास की जनता को कहना चाहता हूँ कि इस 2 रुपयों को पहचाने
ये जिस प्रकार से डकारने में विश्वास रखते हैं, जिस प्रकार से आज देवास इंदौर से पिछड़ता जा रहा है, ये कहने का भ्रष्टाचार के चक्कर में। भैया एक भी वरिष्ठ अधिकारी कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा और आप यहाँ पर वाइपर चला रहे हैं। देखिए जब कोरोना काल था, जब यही छोटे लोग, हम मजदूर लोग, यही लोग जब संभाल रहे थे स्थितियाँ, और आज फिर इस आपदा में कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, सब मेरी बहनें, ये छोटे कर्मचारी आज यहाँ मरीज परेशान ना हो इसके लिए लगे, डॉक्टर्स घर पे बैठे हुए कैमरे के सामने देख रहे हैं, टीवी के सामने देख रहे हैं, अधिकारी सब घर में आराम कर रहे हैं, और जनप्रतिनिधि जो बोर्ड की मंडी लगाते हैं, बोर्ड खरीद कर विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वो लोग आज नादारत हैं। भैया आपने प्रेग्नेंट महिलाओं से बात करी जो पाई है, उन्होंने क्या स्थिति बताई आपको? उन्होंने बताया प्रेग्नेंट हमारी बहनें हैं, तीन तीन चार चार घंटे से वो बैठी है वहाँ पर, मेरी डॉक्टर से भी बात हुई, डॉक्टर का सीधा कहना था पानी खूब भरा हुआ था, लेकिन हम भी फिर भी कोशिश में लगे कि हमारी बहनें परेशान ना हो, चार चार घंटे हो गए उन लोगों को, अभी ये सुबह 4 बजे से पानी के भरे हुए हालात 11 बज चुके हैं, मतलब पूरे प्रशासन के साथ साथ भोपाल तक की खबर चली गई, आप लोगों के माध्यम से जन जन तक ये खबर चली गई, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो लोग नादारत थे। जब ये आपको ये उठाना पड़ा पानी के लिए, देखिए ये कोई दिखावे के लिए नहीं, लेकिन ये जो हमारे साथी कर्मचारी जो यहाँ लगे, मैं इनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में हम आपके साथ हैं। काफी ज्यादा है भैया, 5-7 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ जी, क्या हुआ इस संकल्प में? ये पैसा कहाँ लगा? कहाँ लगा पैसा? इंस्पेक्शन कर लेना पहले पानी। हाँ तो आप ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। सर अब पानी निकालने जब भरा गया, जब पानी निकालने आए आप, जनता परेशान हो रही है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप कितने आप इंजीनियर हैं यहाँ पर? इंजीनियर नहीं, डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर साहब ये बताएं जिला अस्पताल में कितने रुपए लग गए अभी तक? आप होते हुए आप नगर निगम में ही हैं, हमको मालूम है। हमने नहीं बनाई। अच्छा नहीं बनाई तो आपको रख रखाव देख सकते हैं आप, किस तरह से पानी भरा हुआ, लोग परेशान हो रहे हैं। कितने घंटे बाद आए आप? सुबह से आज सुबह से लोगों ने ऐसे परेशान। मिल में तत्काल रूप से खुद मौके पे आया हूँ। अच्छा। पानी की निकासी हमेशा रहती है, पीछे पानी आगे से कहीं से रास्ता चौक है, मैंने जेसीबी बुलवा ली, अभी क्लियर कराता हूँ 10 मिनट में। सर 10 मिनट में क्लियर करेंगे? देखिए आप अंदर जाके देखेंगे कितने बाड़ों में पानी भरा हुआ। अंदर से विजिट करके आ रहा हूँ। क्या क्या भरा, क्या विजिट में क्या क्या देखा आपने? विजिट में क्या देखा आपने? विभिन्न जगह जल भरा पाया गया है। हाँ शहर में अस्पताल की बात करें जो जिसमें अस्पताल को ओपीडी में भरा पानी, और जहाँ जहाँ पे जल भरा हुआ है, पानी है, पानी भरा है, उसको निकलवाएंगे। मोटर क्या लाखों की मशीनें जो लगी हुई हैं वो खराब नहीं हो रही हैं सर? क्या आप बताएं, ये शासकीय जो लगी है वो खराब नहीं हो रही हैं क्या? चेक किया जाएगा कि जल भराव किन कारणों से हुआ। सर करंट की स्थिति बनती है, हमने अपने कैमरे से नीचे बताया। तात्कालिक रूप से मेरे हिसाब से पहले पानी खाली कराए, अपन बाकी बातें बाद में कर लेंगे। करिए नमस्कार, आप देख रहे हैं आज अभी इस वक्त हम मौजूद है देवास के जिला अस्पताल में, जहाँ रात में हुई कुछ देर की बारिश के बाद आप देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन से कहूँगा दिखाएं जिस तरह से पैथोलॉजी विभाग और यहाँ का सोनोग्राफी विभाग में पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। पूरे जिला अस्पताल में इस तरह से पानी भरा है, जैसे कि यहीं पर अंदर ही बारिश हुई हो, कुछ माह पूर्व यहाँ पर करोड़ों रुपये खर्च करके यहाँ का जीर्णोद्धार किया गया, कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में की है। आज थोड़ी देर की बारिश में ही जिला अस्पताल का भांडा फोड़ दिया है, ये प्रेग्नेंट महिलाएं आ रही है, इनको गिरने की भी आशंका जताई जा सकती है, जिस तरह से पानी भरा हुआ है, सारे विभागों में पानी ही पानी भरा हुआ है। अब जिला अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं इस पर देखेंगे, आप देखते रहिए, आप ओपीएस न्यूज़।